लगभग 300 से 400 साल पहले कोई पुरखे एक माताजी की मूर्ति ला रहे होते हैं। बीच रास्ते में विश्राम के लिए वह रुकते हैं और उस जगह पर उस मूर्ति को रख देते हैं। विश्राम के बाद जब उस मूर्ति को वो उठाते हैं तो वह मूर्ति हिलती भी नहीं है उस स्थान से। सबसे अनोखी बात यह है कि माताजी को हनुमान जी महाराज की तरह सिंदूर चढ़ाया जाता है। क्या है इन माताजी के तीन रूप बदलने का रहस्य? बरसों बाद माताजी अपने मंदिर विकास एवं शहर के विकास के लिए एक जनसेवक को चुनती हैं। अध्यात्म में ऐसी बातें होना आम बात है, लेकिन फिर भी दिल में एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है, क्यों ना चलकर मंदिर पर देखा जाए। तो हम भी चल पड़े मंदिर की ओर। राम राम दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। हम आए हैं आज नदीगांव क्षेत्र, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। नदीगांव में सहस्त्र चंडी यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में दूर दूर से आए पधारे महात्मा, संत महात्मा की ये पंडाल है जो आप देख रहे हैं। इस पंडाल में जगह जगह के मंदिरों से मठाधीश एवं पुजारी संत सभी लोग पधारे हैं। उन सभी साधु संतों के, संत भगवानों के आपको दर्शन करवा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यह जो धुनी आप देख रहे हैं, यह नागा सन्यासियों की धुनी है, जो कि अघोरी जैसे ही माने जाते हैं, बहुत ही कट्टर और धार्मिक माने जाते हैं। इनकी भी दुनिया बड़ी रहस्यमयी होती है, नागा साधुओं की, जो कि इस सहस्त्र चंडी यज्ञ में पधारे हुए हैं। नागा सन्यासी के साथ में जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, यह गटैया में एक बहुत ही सिद्ध स्थान है, सिद्ध बाबा का, उनके पुजारी एवं महंत बैठे हैं ये साथ में, नागा सन्यासी के साथ में, जिनकी कृपा दृष्टि से ये जो आनंद आप बरसते देख रहे हैं। नदीगांव में विराजमान यह माताजी का मंदिर है, जिनको हरशंकरी माताजी के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको भी ले चलता हूँ माताजी के दरबार में, माताजी के दर्शनों के लिए, दर्शन पुण्य पाने के लिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हरशंकरी माताजी के दर्शन करवा देता हूँ। वो हरशंकरी माता जिनके बारे में कहा जाता है कि एक समय की बात है, कोई इनको कहीं से लेकर आए थे, मूर्ति को लेकर आ रहे थे, ये समझ लीजिए मेरे ही पुरखे मूर्ति को लेकर आ रहे थे। मूर्ति को एक जगह रख दिया और टॉयलेट के लिए वो गए। जैसे ही उन्होंने स्नान करके मूर्ति को उठाना चाहा, वापस ये मूर्ति, महामाई की मूर्ति, अपनी जगह से हिली नहीं, उठी नहीं। ऐसी कहानी है माता जी की, और आपको दर्शन करवाता हूँ महामाई के। प्रसाद वितरण निरंतर जारी है महामाई की। चरणों तक देते हुए महाराज जी ने मुझे तलक दे दिया है और चरणों तक महामाई का चरण आप बताइए इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में माँ हरशंकरी माँ की ऐसी महान कृपा है, ये जो है दिन में तीन बार जो है रूप बदलती है। सुबह जो है प्रातः जो है इनका कन्या का रूप रहता है, दोपहर में स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री का रूप रहता है, और शाम को जो है वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। इनकी अद्भुत लीला है माँ की। आप कब से सेवा दे रहे हैं माई के दरबार में? इनका बहुत समय हो गया हमें। आप सेवा कब से दे रहे हैं? सेवा मुझे 7-5 साल हो गया। एक्चुअल जो कहानी है कि जो हरशंकरी माई का पदार्पण कैसे हुआ है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इनका हरी शंकरी नाम इसलिए इनका पदार्पण हुआ कि हरी शंकर उमा, शंकरी उमा, ये उमा और शंकर, ये उमा पार्वती का रूप है। और एक दंत कथा भी है, कहते हैं कि कहीं के कोई पुरखे इनको लेके आ, ये जो है हमारे जो परिहार लोग इन्हीं के पूर्वज लोग लेकर के आए थे, तो ये जो है यहाँ पर स्थान इन्होंने यहीं ले लिया था, फिर यहाँ से नहीं उठे, बगीचे में था उसको, इनका अलग स्थान था, इनको उठाया गया, फिर जो दोबारा नहीं उठी है, इन्होंने कहा यहीं स्थान बैठी भाई, दोबारा फिर कहीं गई नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हाँ, इनकी कृपा हमारे सारे गाँव पर, सारे जगत में बनी रहे, यही कृपा, बस यही चाहते हैं।
सामने महादेव इनकी कृपा से, सामने महादेव विराजमान है और आगे महाशक्ति हरशंकरी माता जी यहाँ पर विराजमान है, जो कि इनकी कृपा से ही नदियों क्षेत्र का विकास हो रहा है और बड़ा यज्ञ जो है यहाँ पर सहस्त्र चंडी यज्ञ चल रहा है। इससे हम तो चाहते हैं कि ऐसे यज्ञ हमेशा मातानी के दरबार में होते रहे उनके नाम से, और हमारे गांव का नाम भी यही सही बता रहे हैं हमारे सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को एवं नगरवासियों को। माता जी के दर्शन मैंने आपको करवा दिए हैं, एवं महाराज जी से इनके बारे में जो भी कथा है यहाँ की वो आपको सुनवा दी है। आगे बढ़ते हैं, आपको दर्शन करवाता हूँ यज्ञशाला के। ये बूंदी प्रसाद निरंतर बांट रहे हैं, ये सुबह से ले जब से मैं आया हूँ तभी से मैं देख के गया था बूंदी प्रसाद निरंतर बांट रहा। माताएँ बहनें बराबर आती हैं और जा रही हैं। हाँ बोल दिया हमारा। अब आपको ले चलता हूँ वो यज्ञशाला जहाँ पर सहस्त्र चंडी यज्ञ का हवन कुंडी वेदी बनी है। ये देखिए वेदियों के आप दर्शन कर लीजिए, यहाँ पर नित्य हवन होते हैं। हवन होने के पश्चात कथा प्रारंभ होती है और लोग बाग यज्ञ वेदी का परिक्रमा करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हुए एक समय में ऐसा था यहाँ पर जंगल हुआ करता था। धीरे धीरे डिंपल भाई साहब ने यहाँ का विकास ऐसे कर दिया इस जगह का कि मानो कंचन बरस का हो जाता। ये सामने अभी भी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। अब आपको ले चल रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर सभी पुजारी और पंडित जी निरंतर जाप कर रहे हैं पाठ का। इस पंडाल को आप यज्ञ की आत्मा कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर निरंतर पाठ चल रहा है दुर्गा सप्तशती का, चंडी माई का। सनातन काल से आप देखेंगे कि सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं एवं महापुरुषों ने अपने गुरु के माध्यम से और कुल परंपरा के माध्यम से महाशक्ति को प्रसन्न किया है एवं गुरु कृपा से समाज में जन कल्याण कर ख्याति को प्राप्त किया है। इष्ट एवं गुरु कृपा से संसार में सब कुछ संभव है। परम पूज्य रसिक संत श्री श्री 1008 श्री महंत श्री स्वामी श्री किशोरदास जूदेव महाराज, श्री गौरीलाल जू की कुंज, श्री धाम वृंदावन के परम शिष्य, संतों की सेवा में तत्पर रहने वाले बड़े भाई श्री अभिमन्यु सिंह परिहार और डिम्पल दत्ता पर गुरु कृपा एवं इष्ट कृपा वाली बात एकदम चरितार्थ होती है। नदीगांव एवं नदीगांव ब्लॉक क्षेत्र के लिए निरंतर विकास एवं उन्नति के लिए कार्यरत हैं। यह सहस्त्र चंडी यज्ञ इन्हीं डिम्पल भाई साहब के द्वारा एवं क्षेत्र की जनता द्वारा संकल्पित है। क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिलना एवं बड़े बड़े संतों का इस नदीगांव भूमि पर आना इस यज्ञ को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार एवं संत श्री रविदास महाराज, राउतपुरा सरकार, ददरुआ सरकार, रामदास जी महाराज एवं कामतानाथ स्वामी के जगतगुरु के नदीगांव भूमि पर पादार्पण होने से यह भूमि पवित्र और आनंदमय हो गई। अब आपको मैं कथा पंडाल की ओर ले चलता हूँ। यह मुख्य द्वार है कथा पंडाल का। यौवन ने सिखाया कि अर्थ काम सत्य है, किंतु पिजड़े का पंछी जब पिजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया कि बस राम नाम सत्य है, अंत में बताया। इसलिए साहब व्यासपीठ आपको संकेत कर रहा है। सुनिएगा
ये मंच और गौरवान्वित हो रहा है। पूज्य श्री जगद्गुरु जी भगवान को करके एक बार सलूट तालियों के साथ। नदीगांव हरशंकरी माताजी दर्शन एवं सहस्त्र चंडी यज्ञ में दोस्तों इतना ही। किसी भूलवश त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना। जय श्री राम। जय माता दी।